इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद की सबसे मशहूर मछली फरीदुल्ला फिश पे। मैं पिछले महीने भी यहाँ पे आया था जब मैंने ठंडियानी टॉप का एपिसोड किया था, लेकिन तब तक ये शॉप नहीं खुली हुई थी। तो अभी मैं यहाँ से गुजरा था तो मैंने देखा है कि ये ओपन हो चुकी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि ये मेरे प्लान में शामिल नहीं था। तो फरीदुल्ला फिश का मैंने बहुत नाम सुना है और आज मैं इसको चेक भी कर लूँगा, और जिन जिन लोगों ने मुझे उसका बताया है यहाँ, तो उनका शुक्रिया अदा होगा या फिर वो अपनी खैर मना लें। चलते हैं। वाओ, ये कौन कौन सी मछली है भाई? ये तो रोहू है। सिल्वर है। सिल्वर कांटे, ये रोहू छोटा। वो कौन सी है? सिल्वर। सिल्वर और रोहू, ठीक हो गया। हमें एक एक पूरी मछली लेनी पड़ेगी जी। आप फिर हमें ऐसा करें ना, एक मछली दे दें, आधी फ्राई कर दें और आधी वो कर दें। आधी बार भी क्यों खाना, ये सही रहेगा। 300 ग्राम, ठीक है। फ्राइड फिश की रेसिपी में लाल कुटी हुई मिर्चें, सूखा धनिया पिसा हुआ और हल्का सा बेसन डाला गया है, जबकि पहले इस पर लहसुन वाला पानी और नमक लगाया गया था। जितनी देर में फ्राइड फिश तैयार होती है, इतनी देर चल के बारबेक्यू वाली फिश का निज़ाम चेक करते हैं। नमक, ये लहसुन का पानी है। लहसुन का पानी ग्रिल फिश को भी फ्राइड फिश की तरह पहले लहसुन का पानी और नमक लगाया गया, और अब जो मसाला ऐड किया गया है वो इनकी कोई स्पेशल रेसिपी है। कोयले की आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखी गई। सुभान अल्लाह, लो जी ये मछली खाने वाली भी है और छाने वाली भी, और देखने में तो निज़ाम बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे मछली का रंग लाल होता जा रहा है, भूख वाला निज़ाम भी बढ़ता जा रहा है। लीमू का ये नज़ारा बर्दाश्त से बाहर है। सुभान अल्लाह।
अच्छा जी, ऑर्डर मेरा आ गया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब मैंने इनको बनाते हुए देखा ना मछली, तो मेरा ख्याल था कि बस ये एक ऑर्डनरी सी फिश है, शायद ओवर रेटेड है, क्योंकि उन्होंने उसको उसी वक्त मसाला लगाया और उसी वक्त फ्राई कर दिया। हम लोग जो देखते हैं कि हम तो मसाले को जितनी देर ज़्यादा अंदर रखेंगे वो उतनी अच्छी बनेगी, लेकिन ऐन मौके पे इसको मसाला लगा के उसी वक्त फ्राई कर दिया गया और ये इतनी कोई मज़ेदार चीज़ बनी है ना, इतनी क्रिस्पी। और ये जो चटनी है आप देख रहे हैं, इस तरह का मैंने चटनी भी पहली दफ़ा देखी है। सिरके के अंदर इन्होंने धारा मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली हुई है, नहाय सादा और बहुत डिफरेंट है। मैं पहली दफ़ा ये वाली चटनी खा रहा हूँ, बिल्कुल इसमें घी वाला सीन ही नहीं है। सिरके की खटास जब मिलती है ना मछली के साथ तो एक अजीब सा टेस्ट आता है। ये सिरके को इसके साथ मिला के खा रहे हैं तो निज़ाम अखीर ही हो गए। ये क्योंकि ग्रिल है, ओह सुभान अल्लाह, आप इसके टेक्सचर से अंदाज़ा लगा लें कि कैसी चीज़ बनी होगी, क्योंकि खिला मैं सकता नहीं और मैंने खिलाने भी नहीं। मसाले तकरीबन दोनों के सेम थे, एक को उन्होंने फ्राई किया, एक को ग्रिल किया, लेकिन ग्रिल में ये फ़र्क है, जो वो बन जाती है काफ़ी हद तक, तो उसमें उन्होंने हरी मिर्चें लगाई थी लंबी लंबी और साथ लीमू छिड़का था। मैंने नींबू इतना छिड़क लिया है तो बगैर सिरके के भी मैं खा सकता हूँ। नहीं जी, ये वाली ग्रिल फिश ज़्यादा रिकमेंडेड है फ्राइड से। इसमें मसाला जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी है, लेकिन इतना नहीं है, आप इजीली खा सकते हैं। ये मक्खी भी देख रहे खाने के चक्कर में, लेकिन तेनों नहीं लगना कुछ भी, बहुत ही नरम। और मज़े की बात यह है कि उसी वक्त मसाला लगा के उसी वक्त ग्रिल किया उन्होंने, मेरे लिए बड़ी हैरानकन बात है। कुछ चीज़ें आपके प्लान में शामिल नहीं होती, और मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है, जो चीज़ें प्लान में शामिल लाना हो वो ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। आज के प्लान में मेरे ये नहीं थी, लेकिन अल्लाह को मंजूर था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी मज़ेदार फ़िश खाई है। आप जब भी अगर नारायण का गान जाते हैं आप इस फिश को खा सकते हैं। नॉर्मली ये सितंबर में आते हैं, सितंबर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे टूरिज़म इस साल स्टार्ट हुई है, इनकी दुकान भी उसी दिन से स्टार्ट हो गई है, अगस्त में ही हो गई थी। अगर आप ये खाना चाहते हैं तो आपने एबटाबाद हज़ारा एक्सप्रेस पे एबटाबाद वाली इंटरचेंज से बाहर निकालना है और 2 किलोमीटर बाद आपको मेन रोड पे ये नज़र आ जाएगा। एबटाबाद की फरीदुल्ला फ़िश तो आपने देखी, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको फ्राइड फ़िश ज़्यादा पसंद है या ग्रिल फ़िश। और अगर आप एबटाबाद शहर के मज़ेदार खाने देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप जाना चाहते हैं अयूबिया नेशनल पार्क तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे खानों का और खूबसूरत इलाकों का ये सफ़र जारी है, मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।